All right, what's going on, my loveliest and dear people out there? Welcome to Just Parle. और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि 9th से लेके 10th के ट्रांजिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमको प्रॉमिस किया था कि जो तुम्हारा 9th से 10th वाला पूरा ट्रांजिशन है, जो पूरा फेज है, उसको हम बहुत स्मूथ करते हुए चलेंगे, ठीक है? जिसके अंदर तुमको हमने सारी चीजें बता रखी है कि हमको क्या क्या कैसे कैसे चीजें करनी है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉन्टेंट फॉलो करना है, वो सारी की सारी चीजें। और इस वीडियो के अंदर हम थोड़े और चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन होगी। और इसका एडवांटेज ये है कि तुम अगर तुम्हारे रेलेवेंस का वीडियो नहीं भी हो, तुम अगर सिक्स क्लास में भी हो, तो तुमको बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में, क्योंकि हमारी बातें बहुत मस्त होती है। मतलब हम बातें करते हैं ना, तो वो लोग एक एक घंटे की लाइफ में सुनने आ जाते हैं। तो ये तो फिर भी छोटा वीडियो 15-20 मिनट का, बट एनीवेज आज हम वो चीजें डिस्कस करने वाले। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि लास्ट के दो वीडियो में हमने एक फॉर्म को एनरोल किया था डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उस फॉर्म में सॉरी एक फॉर्म को रोल किया था। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक उस फॉर्म के अंदर एनरोल नहीं किया है, तो मेक श्योर कि तुमको डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक मिल रही है उस फॉर्म को तुम जाके फिल कर दो। मुश्किल से 10-15 सेकंड का काम है। तुमको अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम डालना है ताकि तुम लोग अचीवर्स बैच के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर पाओ। अब अचीवर्स बैच की एंट्रीज बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। ये बैच क्या है मैं तुमको शुरू से बता देता हूं। तो अभी तुम इस वीडियो में देखोगे भी सही कि एक स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स तुमको पूरी तरीके से देखने को मिलने वाला है यहां पर। तो तुम्हारी 10th राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड, तुमको पूरी की पूरी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी कवर करवाई जाएगी। तुम्हारे बहुत सारी टेस्ट होंगी, वीकली टेस्ट, लाइव इंटरेक्शन होगा सारे टीचर के, तुम्हारे फेवरेट सारे एजुकेटर्स वहां पर रहने वाले, ठीक है? और साथ में तुम्हारी जो लाइव डाउट सॉल्विंग भी रहेगी उसके अंदर, और लेक्चर भी तुम्हारे पास में प्रॉपर टाइम पे आ रहे होंगे, तुम्हारे पास होमवर्क मिलेगा, मतलब दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। एक प्रॉपर तुमको स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलेगा। तो उसके लिए अगर तुमको उसमें एनरोल करना है तो उसका एक तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसको भर दो फटाफट, और उसके बाद में अपना इंटरेस्ट शो कर दो, तुम्हारे पास में कॉल आ जाएगा और तुम फिर ज्वाइन कर सकते हो। मतलब तुम्हारी चॉइस है, बट एटलीस्ट मैं तुम बोलता हूँ कि फॉर्म तो भर के रखो, कुछ क्या जा रहा है फॉर्म भरने में, ठीक है? तो ये बात मैंने बोल दी ताकि तुम लोगों को शुरू से ही समझ में आ जाए कि हम उसमें ज्यादा टाइम ना लगाए, क्योंकि 10th स्टार्ट हो चुके हैं और जो बैच है अचीवर्स बैच, वो भी 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके ऑलरेडी। बट स्टिल जितने लोगों ने अभी भी नहीं किया, तुम्हारे लिए स्टिल थोड़ा सा चांस है, तो फटाफट कर लो, ठीक है? बाकी बहुत सारा मजा आएगा वहां पे, हम बहुत मस्ती करते हैं तो वहां पर और मस्ती करते रहेंगे। बट फॉर नाउ अथर्व भैया हमारे साथ हैं, ठीक है? जो तुम्हारे बिल्कुल प्यारे अथर्व भैया हैं वो हमारे साथ में, और हम ऐसी थोड़ी कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं तुम्हारी 10th से रिलेटेड, ठीक है? तो वैसे तो हम ना भावनाओं में बह के बहुत सारी बातें कर देते हैं, पर हमने इसको सोचा, हमने बहुत सोचा, हमने 2-3 बार वीडियो रिकॉर्ड किया और हमने सोचा कि नहीं ये तो बहुत लंबा हो रहा है, तो हमने सोचा कि नहीं इसको थोड़ा कंस्ट्रेन करते हैं, 1 घंटे तक नहीं चलाना इसको, ठीक है? थोड़ा जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो मैंने बहुत सारा बोल दिया, बहुत ही सारा बोल दिया, तो आप डायरेक्ट पॉइंट से स्टार्ट, हमने पॉइंट्स लिख के रखे और तुमको बताइए कि तुमको सब कुछ बताई देते हैं हम कि क्या है, ठीक है? बिहाइंड द सीन्स भी तुमको सामने करके बता देते हैं, ब्लूपर का कोई काम रखते नहीं, सामने ही ब्लूपर चालू कर देते तुम्हारे। तो चलो स्टार्ट कर देते फिर उसको डायरेक्टली, मतलब जैसे आपको करना हो। अरे यार ठीक है, अरे यार मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि एक शब्द तो भी बोल पाऊँ, ठीक है? पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जहाँ पर एक भी शब्द निकल पाए मेरे मुंह से। तो हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू जस्ट पढ़ ले। और यार पहली बात तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बहुत ही टफ क्लास पार करने के लिए। और यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने 9th के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी चीज लाने के लिए बिल्कुल कमी नहीं की। राइट फ्रॉम डे 1 जब से आपकी 9th स्टार्ट हुई टिल योर लास्ट एंडिंग डेज ऑफ क्लास 9th, आप लोगों के लिए बहुत तगड़ा कॉन्टेंट आया। और जब कोई भी नहीं था 9th का हाथ पकड़ने के लिए, तब पढ़ ले आपके साथ था, है ना? विद दैट बीइंग सेड, हम लोग अब बात करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10th अपनी शुरुआत हो चुकी है इसके, धीरे धीरे अभी हम लोग स्कूल भी जा रहे होंगे शायद, और नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। कोई बता रहा है 10वीं में तो ये होता है, कोई बता रहा है 10वीं कितने सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए काम आता है, ये वो, मतलब सिर्फ बर्थ डेट के लिए काम आता है। तो बहुत सारी चीजें आज हम ये बात करेंगे कि पूरे 10वीं में हमको पढ़ना कैसे, क्योंकि देखो यार 2-3 बैचेस ऑलरेडी निकल चुकी है जिसमें मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है ना? और जो चीजें हमारे टाइम पर हम फॉलो करते आ रहे थे उससे बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है, है ना? अगर वो भी तुम फॉलो करते हो, क्योंकि देखो आज की डेट में 94-95% लाना इज समथिंग जो कि अचीवेबल है, तब ये टॉप गोल होता था, अभी अचीवेबल है, ठीक है? तो आज हम वही डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी वर्ड जो है पहले दिन से अगर हमको अप्लाई करना है तो 3 चीजों का सिर्फ ध्यान रखना है, दैट इज इट। 10th को बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करना, 9वीं जितनी डिफिकल्ट थी 10वीं उतनी ही आसान लगेगी तुमको, ठीक है? 3 चीजें हैं, प्रिपरेशन, रिवीजन और प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन जो है आपका, ये आपके साल भर चलते रहेगा, है ना? साल भर आप चैप्टर्स पढ़ोगे, आपको सिलेबस दिया जाएगा, आप पढ़ते जाओगे। दूसरा पोर्शन आता है रिविजन का, जो कि आप एग्जाम के अराउंड करोगे। और तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन का, यानी कि पेपर में लिखने का, उसके बारे में खैर हम आगे चल के बात करेंगे।
ये तीन मेन चीजें हैं जो कि दसवीं को एक बहुत अच्छी क्लास आपकी बनाती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन, शायद तुम्हें प्रेजेंटेशन से इतना मतलब नहीं है, शायद तुम्हें रिविजन से इतना मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है रिसोर्सेस। तो मैं तुमको बता दूं यार, सिंपल सा पॉइंट है, रिसोर्सेस के लिए तुम अगर जा रहे हो किसी शॉप पर और बोलते हो कि भैया मुझे दसवीं की बेस्ट बुक्स दे दो, देखो वो तो तुमको 10 बुक्स दे देगा, है ना, वो 10 बुक्स दे देगा, तुम खुशी खुशी में मजे मजे में लेकर भी आ जाओगे, नई नई बुक की खुशबू आ रही है लेकर आ जाओगे। अब वो यहाँ पर जब टेबल पर लाओगे, जब टेबल पर लाओगे, इतना बड़ा उसका गट्ठा पड़ा रहेगा, वो कभी इस्तेमाल नहीं होंगे। ठीक है, ये लिटरल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुद 10वीं के अंदर ना 5-6 रेफरेंस लेकर आया था, कोरी नई नई बिल्कुल। ठीक है, ऐसा भी नहीं किसी दोस्त से ले लूँ, बहुत रईसी चढ़ रही थी मेरे पे, तो मैं नई लेकर आया, नई बुक्स लेकर आया, वो नई बुक्स पढ़ी की पढ़ी रह गई, मैंने फिर उसको बाद में अपने एक जूनियर को दी। तो कहने का मतलब ये है, 3 से 4 बुक्स है जिनको फॉलो करना है। पहली अपनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को हमको सब मानना है, ठीक है, मैथ्स साइंस सोशल इंग्लिश जो भी हो, एनसीईआरटी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसके बाद में कुछ बच्चों को शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हमने भी तुम्हारे लिए बहुत सारा मटेरियल लॉन्च कर रखा है। अगर तुमको फिजिकल बुक लेनी है, एक रेफरेंस लो, यू नहीं कि 5 अलग अलग ब्रांड्स के रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, एक चैप्टर इस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर इस रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, ऐसा अपने को नहीं करना है। ठीक है, तीसरी चीज आती है क्वेश्चन बैंक, स्पेशली मैथ्स के लिए एक क्वेश्चन बैंक खरीद लो, जिसमें कि आप रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल को लेकर बहुत सवाल आते हैं कि भैया करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है, आरडी शर्मा जो है और आरएस अग्रवाल कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, है ना, मैं क्या, अगर जब तुम खुद पेपर दोगे तुमको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, अगर मैं वो कर लूं और अपनी एनसीईआरटी कर लूं, तो मेरा मैथ्स का 90-95% तो सॉर्टेड है। तो आपकी जो आरडी शर्मा है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मैथ्स में, बहुत आपका इंटरेस्ट है, कर सकते हो। कोचिंग या फिर कहीं अगर आप जाते हो, या फिर मान लो कि आपको स्कूल में करवाई जा रही है, तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं करनी ही पड़ेगी, तो ऐसा नहीं, प्रैक्टिस के लिए है वो। ठीक है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चॉइस है, एक तरीके से कहना चाहता था, चॉइस है, या कंप्लीटली चॉइस बेस्ड है। तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि अरे आरडी शर्मा नहीं की तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने खुद ने नहीं की थी, प्रैक्टिस जरूर की थी स्टार्टिंग में, पर बाद में नहीं की थी और बहुत अच्छे नंबर फोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, भैया कितने घंटे पढ़ना है। तुम्हें अगर कोई कहता है 10 घंटे पढ़ना होता है दिन का, इतना 12वीं का बच्चा भी नहीं पढ़ता, भूल जाओ। तुमको कोई बोल रहा है 8 घंटे पढ़ना होता है दिन का, नहीं पढ़ता 12वीं का बच्चा भी। कोई कहता है 6 घंटे पढ़ना होता है, नहीं 4 घंटे नहीं। स्टार्टिंग में अगर तुम दिन का जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको भी सिर्फ पढ़ लोगे, टेस्ट में तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर कैसे नहीं आते मैं ही देखता हूँ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ अगर कर भी लिया उस दिन, तो भी तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आने, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चीज है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 साल में मैंने देखा है बच्चों को लिटरली बिल्कुल जीरो से मैंने उठते हुए देखा है, प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करते हुए देखा है, बोर्ड में अच्छे तरीके से फोड़ते हुए देखा है, स्पेशली जब मैं टर्म 1 की बात करूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको बिल्कुल ऐसा रिजिड कोई स्ट्रक्चर होता है। किसी को कोई चीज 1 घंटे में समझ आती है, किसी को 3 घंटे में समझ आती है। टेक योर टाइम, बट मेक श्योर कि एफर्ट्स हम कम ना लगाएं, है ना। दूसरी चीज, स्टार्टिंग के 4-5 महीने चिल रहेंगे, उनको चिल ही रखना, रहेंगे वो चिल, आराम से चलते रहेंगे, ओवर मत करना खुद को यार। हाँ, चलने देना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, जो कि 5-5-6-6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठ जाते हैं। इंटरेस्ट है, कर सकते हो, लगता है कि नहीं भैया अपन अपने पेस से चलेंगे, अपने पेस से चलो। मैंने बच्चों को आखिरी के 10 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट करते हुए भी देखा है, पर उस स्टेज तक मत जाना, है ना। हम बिल्कुल ऐसे लाड़ में मत आ जाना कि हम तो बिल्कुल आखिरी दिन में करके बताएंगे। ठीक है, अथर भैया ने बोल दिया तो अथर भैया के पीछे पड़ जाएंगे, अथर भैया ने तो बोल दिया 10 दिन में आखिरी में हो जाता, फिर क्या टेंशन। ऐसा नहीं है, हो जाता है, होने के लिए तो कुछ भी हो जाएगा, पर इतना लोड लेना है कि जब डेली करके तुम कॉन्फिडेंस पा सकते हो। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चलो तुमको एक नंबर चाहिए ना मेरे से, तुम बोलोगे भैया एक नंबर बता दो कितने घंटे पढ़े, दिन का 1.5 घंटा पढ़ लो, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो, और मैथ्स डेली बेसिस पर सॉल्व कर लो, ठीक है, मैथ्स डेली बेसिस पर सॉल्व कर लो,
सॉर्टेड है। जब भी तुम्हारा मन करता है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक्सरसाइज वन पढ़ाई गई आज, दो क्वेश्चन कराया गया, दो क्वेश्चन कर लो, ठीक है, बस में आते जाते कर लो, ठीक है, टीवी देखते देखते कर लो, सूदिंग म्यूजिक सुनते सुनते कर लो, पर करो, ठीक है, उसमें मजा आएगा तुमको। मतलब वो ना एक बार क्या होगा कि भले ही तुमको ऐसी प्रैक्टिस नहीं होगी कि तुम बिल्कुल टॉप मार लोगे, पर जब तुम 6 महीने बाद अपनी हाफ ईयरली के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे ना, तब मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, देखो शुरू से पढ़ने का जो प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है कि तुम जो ऑब्वियसली बात है कि जो तुम आज पढ़ोगे तुमको 4 महीने याद नहीं आएगा, तुम पूरा भूल जाओगे कि क्या है, पर बस इतना होना चाहिए कि जब 4 महीने बाद हम पढ़ रहे हो तो हमको कोई चीज नई नहीं लगे, ऐसा ना लगे कि अरे ये एकदम से क्या चमक गया हमारे सामने, ऐसा लगना चाहिए कि अच्छा ये आता नहीं, हम भूल गए हैं, पर ये देखा है, वो देखा है ना, उस फैक्ट से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई देखा है मतलब ये हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ दूसरा ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर दिमाग के अंदर कि इस क्वेश्चन को देखा है तो थोड़ा बहुत तुमको उसके आसपास की स्टोरी मिल जाती है कि तब हमने इससे रिलेटेड और दो चार चीजें क्या कर रखी थी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव आज पढ़ के ये नहीं कि आज की प्रोविजन से हाफ ईयरली एनुअल फोड़ लें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आज से रोज 1.5 घंटा पढ़ो तो तुम्हारी एनुअल का डायरेक्टली रिजल्ट बन जाएगा, उसका लॉजिक बस ये कि तुमको एनुअल में पढ़ना तो बहुत सारा पड़ेगा उस टाइम पे, पर जब तुम वो बहुत सारा पढ़ रहे हो तब तुमको नया कुछ नहीं देखना चाहिए, उस बहुत सारे पढ़ते टाइम ये 1.5 घंटा जो है ना सब मिला के तुम्हारे पास में क्यूमुलेटिव ऐसी चीज मिलेगी कि तुमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब कि अरे ये एकदम से क्या हो गया, ये एकदम से तो बम फूट गया हमारे सामने, वो फैक्ट नहीं होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा यही है इसका, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलते भाई, एक नंबर, क्या बोलते एक नंबर, एक नंबर। अच्छा तो इसमें एक बार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आता है कि भैया डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम फ्लडेड रहता है इससे, इंस्टाग्राम मेल कमेंट्स हमेशा फ्लडेड रहता है, भैया कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सॉरी कितने घंटे नहीं, कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए दिन में। देखो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर आज के दिन में मैंने तुमको बोल दिया कि तुमको मार्केट से जाकर सब्जी भी लेकर आनी है, तुमको घर पर खाना बनाना भी है, तुमको झाड़ू पोछा भी करना है, तुमको स्कूल भी जाना है, तुमको ट्यूशन भी जाना है, तुमको हेयर कट करवाने भी जाना है, तुमको खेलने भी जाना है, तुमको क्रिकेट भी खेलना है, तुमको रात को मैच भी देखना है, ये सब अगर मैं तुमको एक दिन में करने को बोल दूं तो तुम क्या कोई एक काम ढंग से कर पाओगे? है वो बाल कटाने वाले को बोलोगे भैया बाल काट दो, उल्टे सीधे बाल काट देगा उसको गाली दोगे, ठीक है, सब्जी लेने जाओगे वहां सब्जी अच्छी नहीं मिली मम्मी तुमको गाली देगी, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? तो कहने का ये मतलब है कि एक साथ 10 काम करने जाओगे नहीं होगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ हमेशा इतना रहता है यार, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, आराम से पढ़ो, आगे निकल जाओ, ठीक है, पढ़ने का कोई बहुत बड़ा लोड नहीं लेना अपने को कि अरे बाप रे बाप अब तो क्या होगा मेरे साथ में जीवन में, ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठाओ, 2 मेन सब्जेक्ट उठाओ, साइंस मान लो कि ऐसा कर सकते हो, मैं हमेशा से बोलता हूँ मैथ्स को रोज चलने दो और साइंस और सोशल जैसे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको अल्टरनेट करो, आज साइंस कर लिया कल सोशल कर लिया फिर साइंस कर लिया फिर सोशल कर लिया, मैथ्स रोज करते रहो, ठीक है, इससे किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। साथ में सैटरडे वाले दिन देखो अभी तुम्हारे इनिशियल फेज है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा संडे के दिन पढ़ाई करो, ठीक है, कोई नहीं करता, ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो बारहवीं वाले बच्चे होते वो भी नहीं करते, कहने की बात होती है कि बस कहने की बात होती है कि संडे को पूरे वीक का रिवीजन कर लो, संडे को जो पूरे वीक में पढ़ाया उसका रिवीजन कर लो, ठीक है यार वो कर लो, बहुत अच्छी बात है, यही चीज मैं कह रहा हूँ, पर ये चीज तुम सैटरडे को कर लो, ठीक है, सैटरडे का फ्राइडे नाइट को कर लो, क्योंकि सैटरडे देन संडे है ना, सैटरडे में ज्यादा फील आती है संडे देन संडे, क्योंकि एक दिन सैटरडे इज मोर पीसफुल देन संडे, वो छुट्टी की क्रेविंग रहती है, हाँ वो छुट्टी की क्रेविंग, रात को सोने जाओ तो पता है कि सुबह स्कूल नहीं जाना है हमको, इसीलिए फ्राइडे शाम को जितना भी पढ़ा है सबका रिविजन मार लो, खत्म बात, सैटरडे घर पे आए एक बार देख लिया 15-20 मिनट खत्म बात। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं तुमको देता हूँ कि मैंने फॉलो खुद भी की है और जनरली जब हम काम भी करते हैं तभी फॉलो करते हैं कि अगर आपको आज कुछ भी काम मिला है, मैं मानता हूँ स्कूल से आने के बाद तुम थके रहते हो, ट्राई ये करना कि स्कूल से आते से ही वो काम कर लो, ठीक है, क्योंकि इससे पता क्या होता है, अगर एक बार तुमने बैग रख दिया उस जोन में नहीं आ पाओगे, स्कूल से आए हो उस जोन में हो, ट्राई करना, मैं ये नहीं कर रहा उसको फॉलो करो, काफी कम बच्चे कर पाते हैं, ट्राई करना, हो पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। देखो शुरू शुरू में तो छोटे छोटे होमवर्क ही होते हैं, शुरू शुरू में तो छोटे छोटे होमवर्क ही होते हैं, मतलब आधा घंटा बैठ जाओ सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे, पर वो आधा घंटा ना अगले दिन के सुबह स्कूल जाने से पहले बहुत भारी लगता है, पर स्कूल से आते से आधा घंटा ऐसे कर लोगे तुम और फिर पूरे फ्री हो जाओगे, वो ट्राई करो बस। बस थोड़ा गुस्सा आता रहता है, अरे क्या आते से पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्या आते से ये करने बैठ जाऊंगा, क्या
पर गुस्से को कंट्रोल कर लेना आधे घंटे में आराम से हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ये बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस तुमको भाई वाले दे रहे हैं, बिल्कुल टीचर वाली एडवाइस नहीं दे रहे कि यार तुम बिल्कुल ऐसे करो वैसे करो। तुमको अभी टीचर तुमको देंगे, टीचर तुमको एडवाइस देंगे, बोलेंगे आपको कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जो उनकी जगह पर सही है। ठीक है, हाँ वो सही भी है, पर जो रियलिटी चेक है ना वो ये होता है। ठीक है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में क्या चलता है ना। अब खुल के तुम मुझसे रिलेट कर सकते हो या फिर प्रणय से रिलेट कर सकते हो, तो वो बस वो एक सीन होता है जो कि इन दोनों एडवाइसेस को अलग बनाता है। दोनों जगह पर दोनों ही चाहते हैं कि आपका अच्छा हो जाए, है ना। मैं तो ये चाहता नहीं हूँ कि तुम्हारे 70% आए, या फिर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे 65% आए, ये सब करके ना ही टीचर चाहते हैं, दोनों तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट था, इस पर प्रणय मैं मतलब काफी समय से सोच विचार कर रहा था, आप मुझे बताना आपको क्या लगता है। बोलो। क्योंकि इस बार ना ही कोविड है, ना ही कोई पैंडेमिक है होपफुली, ना ही कोई प्रॉब्लम्स है। इस बार आई फील सो कि टर्म वन टर्म टू वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आई फील सो, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट आई फील कि टर्म वन टर्म टू इसलिए किया गया था ताकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए बच्चों। पर अब ऐसा रिलैक्सेशन वाला कोई पॉइंट बचता नहीं है। ठीक है, तो आई फील कि पूरा सिलेबस हो सकता है कि आपकी टर्म वन टर्म टू ना हो, सीधा फाइनल एग्जाम हो, और ये भी हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस आए जैसे 2-3 साल पहले आया करता था। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसको ध्यान में रखकर चलना। अब अभी ये कोई मत बोल देना कि भैया हम एक्सपेरिमेंटल बैच है, हमारे साथ तो ऐसे हो रहा है। अब तुम नहीं हो एक्सपेरिमेंटल बैच, ठीक है। वो है ना, वो हमको पता है, हम तुम्हारी जगह तो हम भी बहुत नारे लगाते हैं, पर पता तो हमको भी है कि यार पढ़ना ना पड़े इसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लो। मेरे को पता है मेरी 2 दिन बाद टेस्ट है, उसको कैसे कैंसिल करवाएं, क्योंकि क्लास में 35 की स्ट्रेंथ है, 35 में से 30 बच्चों ने नहीं पढ़ा। अब वो 30 बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो ये थोड़ी बोलेंगे चलो पढ़ लेते हैं, वो तो यही बोलेंगे कोई कारण ढूंढ लेते हैं कि इससे एग्जाम ना हो। वही। पर ये बात हम समझते हो तुम्हारे, ठीक है, तो तुम हमको इससे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ठीक है, हाँ, तो ये नहीं कह सकते अथर्व भैया हम एक्सपेरिमेंट, मैं जानता हूँ तुम्हारी चीजें, सब जानते हैं। ठीक है, और एक और चीज है फिर से मैं फोकस करके बोलना चाहता हूँ, शुरुआत से ट्राई करना कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। नहीं बनाते हो, पढ़ ले तुम्हारे पास में है, पढ़ ले पर सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टॉपिक्स के हैंड रिटन बहुत तगड़े नोट्स, एनसीईआरटी कवर्ड नोट्स अवेलेबल है। एक लिंक दूर है, उस पर क्लिक करोगे काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये बोलनी थी, वापस फोकस करके बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पर फोकस करना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सही, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एनसीईआरटी में से ही आती है, है ना। ग्रेट, तो आई थिंक कि हमने हर एक चीज इसमें समअप कर दी है, काफी सही कर लिया प्रिपरेशन। एक बार ओवर भी दे देता हूँ, जो मैंने पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है ना हमारे, जो हमने लिख रखे हैं 7 पॉइंट्स जिन पे हमने एलाबोरेट, वो पॉइंट्स फटाफट कर देता हूँ। तो पहला तो हमने तुमको ईयरलॉन्ग स्ट्रेटजी बताई, इसके अंदर हमने ये कवर किया है कि भाई रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करना है। एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल बुक्स, ठीक है। अगर एक मतलब रेफरेंस लाना भी है तो एक रेफरेंस लाओ, ऐसा नहीं कि 50 क्या हो गया। कुछ नहीं, चलो ठीक है, देख रहा था। ठीक है तो पूरा और ठीक है, तो रिसोर्सेज कौन कौन से फॉलो करने हैं वो देख लिया। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस बहुत सारी नहीं पटकना है, किताबों का भंडार नहीं लगाना है, कम किताबों से ज्यादा काम करना है, ठीक है, वो ही जुगाड़ चाहिए हमको जीवन के अंदर। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 9th तो जो है वो काफी टफ होती है 10th से, क्योंकि 9th तुम्हारा 8th से 9th वाला ट्रांजिशन बहुत नया होता है, 9th से 10th तुम यूज टू हो, तो तुमको इतना ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। पर यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत ये है कि 9th जो तुमने अभी दिए उसमें बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस था, और 10th में हाई चांसेस है कि पूरा सिलेबस है विदाउट द टर्म वन एंड टर्म टू कंसेप्ट। तो 9th पूरी इज इजियर, सॉरी 9th पूरी इज मोर डिफिकल्ट देन 10th फॉर श्योर, पर यहाँ पर 9th जो तुम्हारी कटी हुई थी, जो जिसमें से आधी आधी चीजें हटा देती, बहुत सारी हटा देती, तो दैट वुड बी मोर और लेस समवट इक्वेलेंट टू क्लास 10th ओनली। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि तुमने 10th में आ गए तो बिल्कुल तुम किताब फेंक के बैठ जाओ कि अब तो पढ़ना नहीं 10th में आ गए। बायोलॉजी में फर्क पड़ेगा, बायोलॉजी में फर्क पड़ेगा, ठीक है। राइट, 9th की बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट होती है 10th के मामले में, 10th की जो बायोलॉजी है बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है, और बाकी मेरे हिसाब से इजी है, केमिस्ट्री भी इजी है, ठीक है, फिजिक्स थोड़ा सा लग सकता है तुमको, पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री 9th से इजी है। क्योंकि 9th का बायोलॉजी तो किसी को याद नहीं रहता, ठीक है, किसी को भी पूछ लो 9th का बायोलॉजी किसी को पसंद नहीं है, तुम भले किसी बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछ लो। तो ये चीज है, ठीक है, फिर एनसीईआरटी फोकस करना, और दुनिया कुछ भी बोले वो हमने लिखा था, ठीक है, पर वो हम तक ही रख लेते हैं उसके बाद वाली चीज। और डेली सब्जेक्ट्स क्या करें, तो डेली सब्जेक्ट्स में मैथ्स तो रोज करो, और बाकी एक ऑल्टरनेट सब्जेक्ट अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चला, ऐसा रूल नहीं कि एक दिन सोशल एक दिन साइंस चला, और अगले दिन अगर तुम साइंस नहीं कर पाए तो बिल्कुल 10th खत्म, बर्बाद, आप तो 50% भी नहीं आएंगे,
ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी कितने घंटे पढ़ना होता है, 1.5-2 घंटे पढ़ लो स्टार्टिंग में, सफिशियंट है तुम्हारा। अगर ज्यादा जोश आ रहा है तो उसको यूटिलाइज करके 3 घंटे पढ़ लो, ठीक है। पर ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोश ठंडा होते होते तो तुम आधे घंटे पे भी ना पहुंचो। तुम या तो अभी से खेलना कूदना बनना मत, बंद मत करना। हाँ यार वो तो चिल रहा है कि खेलना कूदना बंद कर दो, कुछ करते हो, मान लो तुम बैडमिंटन खेलते हो, अच्छा तुम कुछ खेलते हो ना, मैनेज कर लो यार, ठीक है। हाँ वो खेल मत बंद करना, उसको छोड़ना मत। और मेरे को नहीं लगता कि 10th की बोर्ड ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, आसानी हो जाती है। ऐसे हो सकता है कि तुम, हाँ प्लीज यार ट्राई करो कि मैनेज हो पाए। अब एक मोमेंट पर ऐसा हो जाए कि अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो चॉइस नहीं रहती है, पर प्लीज ट्राई करना कि तुम किसी भी तरीके से, ठीक है ठीक है। ये एक पर्सनल टॉपिक, हमारा थोड़ा पर्सनल टॉपिक है, तो मान ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके बात करेंगे। तो बस यार ये थोड़ी कॉन्वर्सेशन थी, हमने बातचीत की इसके अंदर, इसको थोड़ी और तरीके से तुमको बहुत सारे वीडियो देखने मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ ये चीज हो गई हमारी, और जो शुरू में बताया था उस चीज को फिर से नोट कर लेना कि डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है, तुम अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उसको एक बार ट्राई करना कि भर दो। बाकी चीजें तुम्हारे सामने और बाकी बातचीत तुम्हारे सामने, और ऐसे हंसी मजाक चलता रहेगा। With that being said, we hope you guys enjoyed this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं या अथर भैया या हम दोनों, जैसा तुम नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ। ये नींद त्याग देंगे। वो देखो, और जिनको प्रूफ चाहिए ना वो देखो, वो पीछे वो एलेक्सा थोड़ा थोड़ा देर में टाइम बता दे, देखो 156 हो रहा है, टेम्परेचर बता दिया। ओहो हो, पढ़ लेगा लोगों भी आगे। पूछ लो ना उसको, पूछ लो क्या टाइम हो रहा है। एलेक्सा व्हाट्स द टाइम। उसको नींद आ रही है। चलो ठीक है, विद दैट बीइंग सेड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम सोएंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एंथुसियाज्म दिखा के अभी हमारी जो नींद है उसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि नींद इतनी आ रही है कि जैसे मैं यहाँ पे लेटूंगा वैसे सो जाऊंगा, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड बस अब खत्म कर रहे हैं, अब पक्का खत्म कर रहे हैं, ठीक है। हिंद वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। अब बोला टाइम उसने, ठीक है, बाय 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 बाय।